हरे कृष्ण, पहला अध्याय, श्लोक नंबर 33। इमे वस्थिता युद्धे, त उसके बाद इमे, इमे के बाद जो एस लगा हुआ है वो थोड़ा सा अ का साउंड देगा, तीमे वस, ठीक है। स आधा है, वो मात्रा से पहले उच्चारण होगा, और थ के साथ ई की मात्रा, ठीक है। त इमे वस्थिता युद्धे, य के साथ उ की मात्रा, एक द आधा है उस पे रुक के, दूसरे ध के साथ एक की मात्रा, युद्धे। प्राणस्त्यक्त्वाधनानि च, प्राणस प के साथ र है ना, जो र पूरा है उसके साथ मात्रा, प्राणस त्यक्त्वा, त के साथ य है और क त, ये दोनों आधे हैं, त्यक्त्वा धनानि च, धनानि च, पूरी लाइन देखिए। त इमे व्यस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, फिर से, त इमे व्यस्थिता, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, आगे आचार्या पितरह पुत्रा। अभी देखो, पुत्रा के बाद जो स आधा लिखा हुआ है ना, उसके जब उसके टाइम पर अगर स आधा होता है और वहां पर हमें स्टॉप करना है, जैसे हर श्लोक कैसे हम आधे में बीच में स्टॉप करते हैं ना, हाफ श्लोक पढ़ के, जैसे स इमे व्यस्थिता युद्धे, इसमें स्टॉप किया ना, तो अगर ये आखिरी वर्ड जिसपे स्टॉप करना है वहां पर आधा स होता है, तो वो स की जगह पर ह का साउंड निकालता है, कैसे, आचार्या पितरा पौत्रा, पुत्रास नहीं बोलते, पुत्रा, ये भी दो डॉट में चेंज हो जाता है। ये एक रूल है, आपको याद रखना है कि जब भी किसी श्लोक में स आधा हो और वहां पर हमारा हाफ श्लोक कंप्लीट हो रहा हो, तो वो आधा स दो डॉट में चेंज हो जाएगा, आचार्या पितरह पुत्रा, फिर तथैव, वो स तो डॉट में चेंज हो गया ना, तथैव च पितामह, आचार्या पितरह पुत्रा, तथैव च पितामह, शुरू से, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रा, तथैव च पितामह, त इमे वस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्या पितरः पुत्रा, तथैव च पितामहः।